संस्कृति प्रकृति संविधान एवं लोक यात्रा जिसका जिसकी शुरुआत हमने शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति लेने के बाद में 2 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया था और उसका द्वितीय चरण आज हम यहाँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से 30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होके हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंटिया भील के कर्मस्थली पाताल पानी जाएंगे और वहाँ से हम खरगोन जिले और धार जिले बड़वानी जिले इन 3 जिलों के कई इलाकों से घूमते हुए महाराष्ट्र के कुछ इलाके गुजरात के कुछ इलाके से होकर दादरा नगर हवेली में जहाँ पर आदिवासी एकता परिषद का 31वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है जो 3 दिवसीय है जहाँ पर देश भर के सारे लोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी लोग आ रहे हैं। वहाँ पर जाकर 15 जनवरी को इस यात्रा का आंशिक रूप से समापन होगा। यह मेरी यात्रा आजीवन है और जब जब इस अवसर आएगा बड़े सम्मेलन होंगे बड़े कार्यक्रम होंगे या प्रतिष्ठित स्तर के लिए निकलेंगे इसी यात्रा के साथ में हम जाएंगे। आज मेरे साथ में जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाज के प्रबुद्ध जन वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। मेरे साथ में हैं शंकर कटारिया जी सेवानिवृत्त DSP है, विरिया साहब है सेवानिवृत्त DSP साहब है, भदुरिया साहब है सेवानिवृत्त DSP साहब है, फिर हमारे आर्मी के ब्रिगेडियर साहब गुना भुरिया साहब है और समाज के हमारे साथ में नारी शक्ति भी है बसंती मेहता जी है, वीना मौर्या जी है, बोन जी हैं तो और समाज के नौजवान युवा साथी हैं। यहाँ से हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो गांव-गांव जाएंगे, जिस भी गांव में जाएंगे यात्रा का संदेश हम देंगे, उस गांव के लोग इस यात्रा को अगले गांव तक छोड़ेंगे। तो एक ये पवित्र उद्देश्य है, जनसंवाद एक शॉर्ट नेम के माध्यम से हमने इसको प्रारंभ किया है और कई लोगों के बीच में हम जाएंगे। इस प्रकार की यात्रा हम 2014 से कर रहे हैं। ये यात्राएं जो हमारा उद्देश्य है उसको संस्कृति प्रकृति संविधान और लोकतंत्र के प्रति जनता में संवेदना जगाना, ताकि ये बचे रहेंगे तो हम सबके लिए एक सुरक्षा रहेगी, क्योंकि दुनिया में कई प्रकार की विचारधाराएं निर्मित हुई हैं और उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए संवेदना जगा कर जनता में जन संवेदना जगाने की आवश्यकता है। तो आज से हम यहाँ पवित्र स्थल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है और भारत देश के संविधान के निर्माता हैं, तो एक बड़ा उद्देश्य लेकर हम यहाँ से निकलें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस यात्रा के साथ में जो हम यहाँ आज से यह चालू किए हैं 17 दिन की यात्रा चलेगी, तो रास्ते भर में जहाँ पर भी लोग आ रहे हैं मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, हमने इंडिविजुअल सबसे फ़ोन नहीं लगा पाए हैं, सोशल मीडिया तक मैसेज पहुँचा होगा, एक दूसरे के माध्यम से मैसेज पहुँच रहा होगा, तो हम हाथ जोड़कर सबको निमंत्रण देते हैं कि इस मुहिम को बढ़ाने के लिए आप सब लोग अपने स्तर से तन मन धन से सहयोग कीजिए। जो साथी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और पूरे 17 दिन देना चाहते हैं उनके लिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार करते हैं। हमारे साथ में सेंधवा इलाके के कई सारे साथी हैं, अनिल रावत जी हैं, परशुराम जी हैं, सिंदर भाई सोलंकी जी हैं, सीताराम बर्डे जी हैं और नौजवान साथी हैं, तो सभी साथी मिलकर आज हम एक पवित्र कार्य को प्रारंभ किए हैं संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से। जोहार।